हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक आइटम लेकर आई हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक मैंने प्रेस कवर बना के रखा हुआ है और ये बहुत काम की चीज़ है। हर घर में ये चीज़ होनी चाहिए क्योंकि प्रेस अधिकतर हम लोग खुली छोड़ देते हैं और धूल मिट्टी खाती रहती है, बच्चों के हाथ भी लग जाती है, तो ये ठीक बात नहीं है। हर चीज़ सेफ़ होनी चाहिए क्योंकि कोई भी चीज़ खरीदी जाती है तो एक बार खरीदी जाती है तो उसको भी संभाल के रखना पड़ता है और घर भी फैलने से बच जाता है। कोई आने वाला है, इसके अंदर रख दीजिए तो ये शो पीस की तरह रखा भी रहेगा और इसके अंदर आपकी प्रेस भी रखी रहेगी। और इसमें हमने कुछ इस तरह से खोलने का बनाया है, जैसा कि आपने देखा होगा अभी मैंने खोला। इसको खोलना और रखना बहुत आसान है, तो चलिए देखते हैं इसका मेजरमेंट क्या है और इसको मैंने कैसे बनाया है। आज का प्रेस कवर बनाने के लिए हमने लिया है 7x11 के 2 पीस क्विल्टेड, 5x8 का 1 पीस क्विल्टेड और 8x30 इंच का 1 पीस क्विल्टेड, 21 इंच की जिप और 1 रनर। और बेल्ट बनाने के लिए इसी में का बचा हुआ ये 8 इंच का पीस है, ये 4 इंच का है। तो पहले हम बेल्ट बना लेते हैं बहुत सिंपल तरीके से, जो बचा हुआ बस उसी का मैं बना दूंगी। हमने बेल्ट तैयार कर ली, अब लेंगे 5x8 इंच का पीस और जिप। अब जिप को 8 इंच से लगाते हुए 5 इंच से फिर 8 इंच पर ले जाएंगे। ये दो चीज़ हमने तैयार कर ली, अब लेंगे 7x11 का पीस और इसमें यहाँ पर हम सेंटर मार्क निकालेंगे। ये हमारा सेंटर मार्क है, इस तरफ से बताती हूँ, ये हमारा सेंटर मार्क है 3.5 पर। ये देखिए 3.5 पर हमारा सेंटर मार्क है। अब यहाँ से हम 5 इंच डाउन निशान लगाएंगे इस तरह से और यहाँ पर एक इस तरह से शेप दे देंगे। तो जो ये शेप है आप प्रेस रख करके और उससे करीब 1/2 इंच या 1 इंच जितना सिलाई का मार्जिन रखना चाहती हैं उससे बढ़ा करके लगाएं और फिर ये इसको इस तरह से फोल्ड करके कट कर दें। ये हमने कट कर दिया। अब इसी को हम इस पर रखेंगे, उल्टा करके रखेंगे इस तरह से और कट कर लेंगे। और ये दो शेप हमारे पास इस तरह से आ गए हैं। अब इसकी जो लंबाई है इधर किनारे की, क्योंकि अब हमने कट कर दिया है तो इसको अब हम इंची टेप से पहले मेजर करेंगे। तो इसकी लंबाई है 24 इंच। तो ये हमने जो 30 इंच का पीस लिया है अब इसमें हम 24 इंच निकालेंगे, क्योंकि ये बढ़ा के मैंने लिया क्योंकि पता नहीं कितना कट करने के बाद कितनी इसकी गोलाई आए। तो हम लेंगे 25 इंच, 4 नहीं लेंगे, 5 एक इंच बढ़ा कर लेंगे। और इसको यहाँ से जितना एक्स्ट्रा है कट कर देंगे। और अब इसको जोड़ना शुरू करेंगे, तो इसको यहाँ से इस तरह से जोड़ते हुए पूरा इधर से ऐसे ले आए। ये हमने इसको जोड़ दिया। अब यहाँ पर ये जो जितना एक्स्ट्रा आ रहा है इसको सिधाई रखते हुए कट कर देंगे। ये देखिए ये 1/2 इंच की पट्टी निकली, जबकि हमने 24 नापा था और ये 25 जो हमने बढ़ा के काटा तो उसमें ये एडजस्ट हो गई, क्योंकि इंच टेप से नापने में और कपड़े से नापने में फ़र्क होता है। अब इसको तैयार करने के बाद
इस पीस को लेंगे और इसको भी सेंटर मार्क निकालेंगे। ये हमारे पास सेंटर मार्क है। अब इस सेंटर मार्क से ये जो हमने बेल्ट ली थी इसका भी सेंटर मार्क निकालेंगे ये, और सेंटर मार्क को सेंटर मार्क के ऊपर रखते हुए इसको फोल्ड करते हुए थोड़ा सा ढीला रखते हुए यहाँ पर फिट करेंगे। और इसके लिए पहले हमें यहाँ पर पिन से इसको अटैच करना होगा। तो सेंटर को सेंटर से अटैच कर दें, इसको मोड़ें, हल्का सा ढीला रखें और यहाँ पर डबल मशीन चला दें। और इसमें हमने ये हैंडल भी लगा दिया। अब पिन निकाल देते हैं, ये हमारा हैंडल हो गया। अब इसको भी हम इसी के साथ जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे कि इस पीस को हम पूरा इस तरह से बराबर रखेंगे और इसका सेंटर मार्क यहाँ निकालेंगे। ये सेंटर मार्क हो गया इसका सेंटर मार्क, क्योंकि अब ये दूसरा पीस है और हमको बहुत सफाई के साथ इसको जोड़ना है। और इसका सेंटर मार्क ये हो गया। दोनों सेंटर मार्क को जोड़ते हुए यहाँ पर जो पहले एक साइड सिलेंगे फिर दूसरे साइड सिलेंगे। तो हमने इस तरह से जोड़ दिया, ये तैयार हो गया। अब अभी ये पीछे से इसमें सपोर्ट नहीं है, लेकिन हम इसको ऐसे खड़ा करेंगे तो ये एकदम सही शेप में आया है। और हाइट जो है मैंने 1 इंच अपनी प्रेस से 1 इंच ज़्यादा ली है। आपकी जो प्रेस हो उससे हाइट थोड़ी 1 इंच ढीला ही रखिएगा ताकि रखने में आसानी हो। और जो आजकल तो जो ब्रांडेड प्रेस होती हैं उनके साथ ग्लास वगैरह भी मिलते हैं, काफ़ी कुछ सामान मिल जाता है, तो उसको भी इसके अंदर स्टोर किया जा सकता है। तो अब क्या करना है कि ये जो ज़िप का दूसरा पार्ट है इसको निकालेंगे हम, और इसमें जो हैंडल है वो ऊपर है और जो पहले पार्ट हमने जोड़ा था वहाँ से हम इसको लगाना शुरू करेंगे। तो इसको पहले हम सीधा कर लेते हैं। ये देखिए ये इस तरह से दिखाई देगा। और अब इस ज़िप को हम ये जो हमारा बॉटम का एरिया है वहाँ से लगाना शुरू करेंगे। इस तरह से लगाना है, बॉटम का एरिया छोड़ देना है और इसको साइड की वॉल से लाते हुए ऊपर हैंडल वाले पार्ट में लेते हुए फिर इधर हम साइड वॉल तक यहाँ तक आ जाएंगे और नीचे बॉटम का हिस्सा छोड़ देंगे। तब इसको हम लगा करके और इसमें फिनिशिंग भी दे देंगे। इस पीस के साथ इसको जोड़ते हुए अब जोड़ना इस तरह से है कि ये जो ऊपर का हिस्सा है 5 इंच वाला इसके साथ हमारा एकदम कंप्लीट यहाँ पर बैठ जाए और ये यहाँ तक बैठ जाए। तो अब इसको हम जोड़ना शुरू करते हैं। तो पहले हम रनर डालेंगे। और ये देखिए ये रनर हमने डाला, एकदम परफेक्ट यहाँ गोलाई से बैठ गया है। और इसको भी हम यहाँ पर अब पैक कर देंगे। इसको यहीं से हम उल्टा करेंगे बहुत सावधानी के साथ कि ज़िप हमारी खुलने ना पाए। ज़िप को बंद करते हुए नीचे तक लाएंगे और इसको मिलाते हुए यहाँ पर हम सिल देंगे। तो पहले हम यहाँ पर ज़िप में मशीन चला देंगे जिससे कि ये आपस में जुड़ी रहे। ये ज़िप को हमने यहाँ पर 3-4 मशीन चला के जोड़ दिया है। एक्स्ट्रा ज़िप को कट कर देंगे दोनों साइड से।
अब इसको यहाँ पे मिला के इस तरह से सिल देंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट बराबर आई है। और ये इस तरह से थोड़ा अभी कंप्लीट हुआ है। अब इसमें हम इसको सीधा करेंगे और फिनिशिंग देंगे। फिनिशिंग देने के लिए जो ये हमने यहाँ पे जितने जोड़ लगाए हैं गोलाई से, उस पर हम मशीन चलाएंगे। ये हमारा प्रेस कवर कंप्लीट हो गया और इसमें फिनिशिंग देने के साथ ही ये देखिए खड़ा भी हो गया। तो खड़ा हो गया तो इसका मतलब कि इसके सारे जितने जोड़ हैं सब सही हैं, एकदम परफेक्ट। तो ये हमने एक प्रेस कवर कंप्लीट कर लिया। और इसमें जो ज़िप है हमने इधर से दी है खोलने के लिए, ये इस तरह से ऊपर से ये ओपन होगा जिससे कि हम प्रेस को बहुत ही आसानी के साथ इसके अंदर रख सकें। और इसमें एक सूटेबल हैंडल भी दिया है जिससे कि हम इसको कैरी करके कहीं भी रख सकते हैं, इस तरह से खड़ा भी कर सकते हैं, इस तरह से रख भी सकते हैं। तो ये था आज का हमारा प्रेस कवर। और ये भी मैंने ऑन डिमांड बनाया है। ये मेरी छोटी बहन अखिलेश नंदिनी ने कहा कि मुझे प्रेस कवर चाहिए, तो उसके लिए मैंने बनाया, उसके लिए बनाया। अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो इसका मतलब बहुत काम की चीज़ है। तो मैंने आपके साथ इसको शेयर कर दिया, तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ नया और यूज़फुल लेकर आएगी। नमस्कार।